जैसे ही डिस्टेंस आपने कैमरे को दिया, कैमरा ने फोकस करना शुरू कर दिया, तो तीसरी चीज जो हमने इसको लागू कर दी आज की डेट में, दैट इज दी अपॉर्चुनिटी कि आप फ्रेम क्या बना रहे हैं, कॉम्पोजिशन क्या तैयार हुआ और क्या अपॉर्चुनिटी आपने कवर किया है। एक कुत्ता गाय की पीठ पे चढ़ जाता है और गाय चल रही है और कुत्ता गाय की सवारी कर रहा है, ये शॉट किसी ने खींच के मुझे भेजा तो बहुत खुश हो गए, तो बहुत खुश हो गए। और इसीलिए ये जो अभी अपॉर्चुनिटी हो गई कि एक लड़का, गरीब बच्चा, स्लम का, एक किसी घर के आदमी ने कूड़े की बाल्टी घर के बाहर रखी होगी और उस कूड़े की बाल्टी में से वो खाना ढूंढ रहा है और वो एक शॉट किसी ने कवर करके मुझे भेजा है, मेरा दिल पसीज गया और सच कह रहा हूँ मेरी आंखों के अंदर पानी आ गया। मैंने कहा यार आज भी हम लोग इस इन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं, बातें हम जो है वो रॉकेट की कर रहे हैं। Fact is that still photograph is still one of the most fascinating art on earth. Trust me, it is one of the most fascinating art. किसी ने कहा मेरे तो still से क्या लेते ना, मैं तो movie camera सीख रहा हूँ, यहाँ बैठे हैं सब। अरे भाई एक सेकंड के अंदर जब 25 दफा फोटो खींचती है तो उसे मूवी कहा जाता है, ये समझ लीजिए जिसको नहीं पता। एक सेकंड के अंदर जब कैमरे ने इतना फास्ट है कि एक सेकंड के अंदर 25 क्लिक मारता है और वो आपकी एक सेकंड की मूवी तैयार हो जाती है। मूवी कुछ नहीं होती, देयर इज नो मूवी लाइक दिस अदरवाइज। चाहे वो सिनेमा घर में आप फीचर फिल्म देख रहे हैं, चाहे टेलीविजन के ऊपर आप देख रहे हैं, चाहे आप घर में किसी पर्दे को लगाकर फिल्म देख रहे हैं प्रोजेक्टर के जरिए, इट्स ऑल बेसिकली अ स्टिल फोटोग्राफी एंड स्टिल फोटोग्राफी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट ऑन दिस अर्थ, दिस इज व्हाट आई एम बिलीविंग। इसी कैंपस के अंदर पहली दफा मोबाइल को, क्योंकि इस पर स्टिल कैमरा होता था सिर्फ और कुछ नहीं होता था, एक फोन, टेलीफोन की सारी फैसिलिटी, मैसेज की और एक स्टिल कैमरा 2004 में जुड़ा, तो लोगों ने कहा चमत्कार हो गया। मैंने कहा चमत्कार तो अभी शुरू हुआ है और हमने उसको करिकुलम का हिस्सा बना दिया। मुझे खुशी है कि अभी मैं पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में था और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर पहली दफा किसी हिंदुस्तानी को सम्मानित किया गया और मैं न्यूयॉर्क से पहली दफा भारत के लिए अवार्ड लेके आया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। मुझसे पहले उन लोगों ने सिर्फ बिल गेट और बिल क्लिंटन को सम्मानित किया था, ओनली बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ मोबाइल फोन इनटू योर डे टू डे अफेयर्स एंड इनटू योर करिकुलम। वो और बात है कि 2006 के अंदर मूवी कैमरा आया और हम लोगों ने पहली दफा मोबाइल के ऊपर मूवी पिक्चर बनाई, मोबाइल में पहली दफा, तो मुझे टाइटल दिया गया फादर ऑफ मोबाइल सिनेमा। मैं दादा साहब फालके तो नहीं बन सका लेकिन फादर ऑफ मोबाइल सिनेमा तो बन गया। और पॉइंट यहां घुमा के ला रहा हूं कि आज कितनी मजे की बात है कि अगर ये फैसिनेशन ना होता, अगर ये पैशन ना होता, अगर ये क्रेज ना होता, तो शायद मोबाइल में कोई डांसिंग होता या कोई पेंटिंग करने का तरीका होता नहीं। सारी दुनिया की 700 करोड़ आदमी की आज भी ये रिसर्च बताती है कि स्टिल क्लिकिंग स्टिल इज द मोस्ट फैसिनेटिंग आर्ट। और आज देख लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर 99 करोड़ मोबाइल फोन है और उसमें 70 करोड़ लोग ऐसे मोबाइल यूज कर रहे हैं जिसके साथ स्टिल कैमरा जुड़ा हुआ, मूवी की बात नहीं, मूवी नहीं जुड़ा हुआ था मैं, लेकिन स्टिल कैमरा जुड़ा हुआ है। और एक गरीब से गरीब आदमी, जो कि झोपड़ी वाला आदमी, एक पटरी पे चलने वाला आदमी, हमारे यहाँ जो जमादार काम कर रहा है वो भी कहता है भाऊ जी एक एक्टर आया है स्टिल की फोटो ले लो। वो अपने कैमरे से ही, वो नहीं वेट कर रहा प्रोफेसर आनंद के कैमरों की, लेकिन उसने क्या किया अपनी जेब से कैमरा निकाला और जरा से अपनी सर जो है वो किसी हीरो के साथ कंधे के साथ सर जोड़ा और खड़क से अपनी एक सेल्फी मारा। और कहने का मतलब ये कि दिस इज द फैसिनेशन ऑफ स्टिल कैमरा, इट इज द मोस्ट पॉपुलर आर्ट। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे शुभ ऑर्गेनाइजेशन का और भरत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो भी दुनिया का सबसे लेटेस्ट चैम्बर बना है। दुनिया में पहले 10,000 चैम्बर होंगे लेकिन पहला चैम्बर ये बना है और इसको बनाने का सौभाग्य भी हमारे को मारवा स्टूडियो से प्राप्त हुआ है कि हमने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहली दफा एक ऐसा चैम्बर बना है जो मीडिया की तमाम एक्टिविटियों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रमोट कर रहा है। हम लोगों ने 162 अंतर्राष्ट्रीय कमेटी, 80 नेशनल कमेटी और 108 कंट्री के अंदर इसके दफ्तर खोल दिए हैं। 15,000 से भी ज्यादा इसके मेम्बरान
पूरे 200 कंट्री से जुड़ चुके हैं और शुभ की ये जो एक्टिविटी है ये आज चैम्बर के जरिए 108 मुल्कों में शाम तक पहुंच जाए। घुमा के बात को फिर, क्योंकि हमारे हर एक्शन में कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, मेरी यही प्रार्थना है भरत साहब से कि आज जिस कंपटीशन को हम लोगों ने लॉन्च किया है यहाँ आए हुए सभी देश के महानुभवियों के कर कमलों द्वारा, मेरे सारा निवेदन यह है कि तीन हमने ऐसे प्रोजेक्ट जो है ले लिए हैं। एक क्लीन इंडिया जो मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये क्लीन इंडिया का हमारा प्रोजेक्ट हिंदी में कन्वर्ट करके स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 को पूरे भारत में लॉन्च किया। इसका क्रेडिट मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये हमने संस्था 2004 में शुरू की थी, 2010 में हमने इसे नेशनल लेवल पे काम करना शुरू किया और 2004 तक हम लोगों ने 12 लाख लोगों को, देश के सभी स्कूल और कॉलेजों के लोगों को मेम्बरान बना दिया था। और जब प्रधानमंत्री ने मई में अपना दफ्तर संभाला और उन्होंने देश के लोगों को पुकारा कि नए आइडियाज दीजिए, तो 4,500 आइडिया पीएमओ के इनबॉक्स में इकट्ठे हो गए और एक टीम बनाई गई जिन्होंने उन सारे आइडियाज को शॉर्टलिस्ट किया और 11 आइडियाज जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होके पीएम की टेबल पर आए। 11 लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ और ये मेरा सौभाग्य था कि उन 11 में से भी पहला आइडिया जो प्रधानमंत्री ने नेशनल लेवल के ऊपर कैंपेन किया वो 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत का आइडिया किया और सडनली एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और मार्वा स्टूडियो सीधे ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी एक नई पहचान इस प्रोजेक्ट के साथ बन गई। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इसके बाद ग्रीन इंडिया का प्रोजेक्ट लिया हुआ है बहुत जोरों से और तीसरा प्रोजेक्ट जो हमने लिया है वो क्लीन गंगा का। ये तीनों प्रोजेक्ट बड़े जबरदस्त तरीके से पूरे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर चल रहे हैं जिसके साथ हम लोग हजारों और लाखों लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत सरकार ने मुझे अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, विच इज इक्वल टू एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मुझे एक संस्था दे दी है नेशनल फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कॉपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस संस्था के अंतर्गत हम लोग टूरिज्म को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है आज की इस कॉम्पिटिशन की शुरुआत पर कि मैं इन तीन चारों मुद्दों को पहले जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप इस कॉम्पिटिशन में जो चित्र खींचने जा रहे हैं या जो खींचेंगे या जिसको आप पूरे नेशनल लेवल पे एडवर्टाइज करना चाहेंगे उनमें इन चार चीजों को जरूर जोड़िए। नंबर 1 प्रमोशन ऑफ इंडियन टूरिज्म, जो चित्र हो वो प्रमोशन ऑफ इंडियन टूरिज्म से रिलेटेड हो या क्लीन इंडिया से रिलेटेड हो या ग्रीन इंडिया से रिलेटेड हो या क्लीन गंगा से रिलेटेड, अगर ये चार मुद्दों से होंगे तो हम लोग भारत सरकार को कहकर इसे पूरे स्कीम को इस पूरे कैंपेन को नेशनल लेवल तक उठाने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि सारा मीडिया इसके साथ आंख बंद करके जुड़ जाए क्योंकि ये चारों मुद्दे इस वक्त जो हैं प्रायोरिटी सेक्टर में आ चुके हैं प्रधानमंत्री के और प्रधानमंत्री एडमिट हैं कि हमें इन चारों चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो क्यों ना हम इस कॉम्पिटिशन को भी पीएमओ के ऑफिस के साथ जोड़ दें जो कि मेरा खुद का प्रयोग है। ये वही आज प्रिंट होंगे और पूरे टॉपिक इज लाइट के बिना कुछ है ही नहीं। जी सर, इंडिया के लिए हमने एक स्लोगन बनाया था उजाला भारत। मेरा ख्याल है अगर उजाला, क्योंकि इंडिया में कम से कम 300 मिलियन हाउसेज ऐसे हैं जहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है, 300 मिलियन पूरे वर्ल्ड में 1.5 बिलियन या कितने लोगों के पास सिटी लाइट है, जहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है वहाँ 50% से ज़्यादा लोग उनके पास 4-5 घंटे बिजली आती है। तो उजाला भारत का कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने एक आइडिया रखा था कि एक उजाला भारत का भी होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि ये 2015 इज नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द इसी आपने नाम बहुत अच्छा दिया है, नाम नहीं सोचा है, लेकिन हमने अभी पिछले हफ्ते 543 मेंबर पार्लियामेंट को मैंने यहाँ से NFTC के अंतर्गत
चिट्ठी लिखी है जिसका मुझे एक एक करके रोज मेंबर पार्लियामेंट के जवाब आने शुरू हो गए हैं, जहां हमने चिट्ठी जो लिखी थी वो एक्चुअली टूरिज्म से रिलेटेड लिखी थी। अब टाइम आ गया जब हमको फिर कल यही डिसाइड हुआ है कि हम लोग 543 मेंबर पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो गलती से चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को भी चली गई है क्योंकि वो भी तो मेंबर पार्लियामेंट है ये फर्स्ट वाराणसी से, और पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैं वाराणसी में भी था। अब फैक्ट इज दिस दैट देयर इज ओल्ड वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, देयर इज नो लाइट देयर इज नो पिक्चर। अगर लाइट ही नहीं है तो पिक्चर कहां से आएगी पहले ये बताइए, बिकॉज पिक्चर इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन थ्रू लाइट। ये तो बेसिक साइंस है पूरी जो हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, और इसको भी जोड़ा जा सकता है, मतलब लाइट एक कंसेप्ट है, लाइट बगैर तो फोटोग्राफ खींच नहीं सकती। आप अंधेरे में फोटो खींच के लाइए तो काला ही चट्टा मिलेगा आपको, आप ट्राई कर लीजिए किसी अब किसी अंधेरे में डब्बे में चले जाइए रात के अंधेरे में फोटो खींचेंगे फोटो नहीं खींचेगी, बिकॉज वॉट इज कैमरा डूइंग, कैमरा इज कैप्चरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग विच इज थ्रू लाइट। वो लाइट कैन बी एन आर्टिफिशियल लाइट, लाइट कैन बी ए नेचुरल लाइट, लाइट भी दो हिस्सों में बांटी जाती है, एक आर्टिफिशियल लाइट जो हम स्टूडियोज में क्रिएट करते हैं या बत्ती जला के करते हैं, और एक नेचुरल लाइट जो सूरज से आपको मिलती है चांद से मिलती है। तो दिस इज हाउ दी, अब यहाँ मैं क्लास तो नहीं ले सकता लेकिन ये इट्स ए वंडरफुल सजेशन, और हम लोगों ने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी है जिसके अंदर ना डीजल की ना पेट्रोल की जरूरत है और ना ही उसके अंदर हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है, ना ही हमें वाटर रिसोर्सेज की जरूरत है जिससे बिजली पैदा हो। एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है हमने कि जिससे पूरे गांव में बिजली आ जाएगी, और वो एक 25 से 30 लाख रुपए के पूरा एक सिस्टम कल हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। अब हमारी स्कीम ये है, बल्कि अभी आप जाने वाले हैं कि जा रहे हैं, जाने वाले अभी हमारे केडी डॉक्टर केडी साहब से निवेदन किया है कि पहला जो ये जो प्रधानमंत्री ने हर मेंबर पार्लियामेंट को एक गांव अडॉप्ट करने के लिए निवेदन किया है, और इस गांव की सबसे पहली जो जरूरत है वो होनी चाहिए बिजली। तो बिजली अगर आ गई तो बहुत सारी चीजें एक साथ गांव के अंदर तर जाएंगी, और वो सिस्टम हम लोग कर रहे हैं आज एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर। डॉक्टर केडी साहब ही जा रहे हैं और एक गाँव के अंदर हम वो सिस्टम लगवाने जा रहे हैं। हमने निवेदन किया है हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा जी से, तो उन्होंने जो नोडल विलेज बनाने का जिस गांव को लेके प्रण किया है उसी में हम लोग ये पहले एक छोटी सी मशीन लगवाने जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो 543 गांव जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट अडॉप्ट कर रहे हैं उनके अंदर हम ये लोग ये मशीनें लगाना चाहेंगे, और 543 गांवों में बिजली लाने का जिम्मा हमने ले लिया है। इतनी जिम्मेदारी आज का हम लोग कार्यक्रम को यहाँ समेटना चाहते हैं। आप सभी लोग यहाँ आए, आपकी बहुत मेहरबानी, आप सभी लोगों ने इतना समय निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन के जरिए हम लोग पूरे भारत तक अपनी बात को कह सकेंगे। रात रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। Nice.